लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और राजनीति जगत के जाने माने नाम राघव चड्ढा हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए हैं। शादी के बाद दोनों की तस्वीरें सामने आ गई हैं और सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों ने जमकर के सुर्खियां बटोरी। आपको बता दें कि मिशन रानीगंज की हीरोइन परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा 24 सितंबर को उदयपुर के लीला पैलेस में शादी के बंधन में बन चुके हैं। दोनों ने 4 बजे हिंदी रीति रिवाज के साथ 7 फेरे ले लिए और ताज लेक पैलेस से राघव बोट से बारात लेकर के लीला पैलेस पहुंचे। आपको बता दें कि 3:30 बजे अपनी लेडी लव को जयमाला पहनाई और शादी के बाद 6:30 बजे विदाई समारोह संपन्न हुआ। आपको ये भी बता दें कि वेडिंग की थीम पर्ल व्हाइट थी, जिसके चलते ज्यादातर मेहमान भी क्रीम कलर के कपड़े पहने हुए नजर आए। साथ ही लीला पैलेस को भी इसी रंगों के साथ, इसी रंग के फूलों के साथ और जो भी मोती हुए लगे हुए थे, सब कुछ इसी रंग के साथ सजाया गया। इसके बाद शादी के बाद कपल ने एक रिसेप्शन पार्टी को भी होस्ट किया। पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर के राजनेता ने भी अपने घर में गणपति बप्पा का स्वागत किया। हाल ही में कई बॉलीवुड सितारों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर पर बप्पा के दर्शन करने पहुंचे। सलमान खान से लेकर के शाहरुख खान तक पूजा में नजर आए। गणेश उत्सव के मौके पर फिल्म इंडस्ट्री में काफी चहल पहल देखने को मिलती है। कई स्टार्स अपने घर में गणेश उत्सव की पूजा रखते हैं, जहां बॉलीवुड सेलेब्स भी नजर आते हैं। कार्तिक आर्यन, एकता कपूर और शिल्पा शेट्टी के बाद अब एकनाथ शिंदे के घर पर सितारों का जमावड़ा देखने को मिला। शाहरुख खान, सलमान खान समेत कई सितारे बप्पा के दर्शन करने पहुंचे। फैंस के दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस शहनाज गिल ने आज लाल बादशाह राजा मंदिर जाकर बप्पा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान एक्ट्रेस एथनिक लुक में दिखाई दे रही थी, काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। एक्ट्रेस का ये वीडियो उनके फैंस को खूब पसंद आया और वो इस पर दिल खोल कर अपना प्यार लुटाते हुए नजर आए। रियलिटी शो बिग बॉस 13 से घर घर में अपनी पहचान बनाने वाली शहनाज गिल आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं। जल्दी वो भूमि पडनेकर, कुशा कपिला और डॉली सिंह के साथ, शिवानी बिंदी के साथ थैंक यू फॉर कमिंग में दिखाई देने वाली हैं। अब एक्ट्रेस ने अपनी फिल्म के रिलीज से लेकर के और उससे पहले लाल बागचा राजा मंदिर में जाकर बप्पा का आशीर्वाद लिया। समंथा रुथ प्रभु और विजय देवरकोंडा की फिल्म खुशी 1 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और अब 1 महीने बाद फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने के लिए तैयार है। तो अगर जिस किसी ने भी विजय और समंथा की अनोखी लव स्टोरी को नहीं देखा है तो वो OTT पर जा करके देख सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि आप कैसे OTT पर इस मूवी को देख सकते हैं। दरअसल फिल्म कब और किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी, समंथा रुथ प्रभु ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया से दी है। दरअसल समंथा रुथ प्रभु और विजय देवरकोंडा की फिल्म खुशी के राइट्स OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया है। ऐसे में फिल्म इसी OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी, तो आने वाले वीकेंड में यूजर्स घर पर ही फिल्म का लुफ्त उठा सकेंगे। साथ ही खुशी तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ और हिंदी में रिलीज होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी करें और जो बगल में बेल आइकन है उसको क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर और आने वाले समय में हम कोई भी अपना वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए।